जरा स्टॉक लाइए स्क्रीन पर लॉरस लैब्स, और यहाँ पर जो खबर आ रही है वो मायूस करेगी यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स को। खबर ये है कि प्रमोटर्स ने 8 लाख शेयर 7 और 8 जून को ओपन मार्केट में बेचे हैं। प्राइस आपके सामने है फिलहाल 619.35। ये खबर इस स्टॉक के लिए ठीक नहीं है क्योंकि प्रमोटर्स का बेचना बात ठीक तरीके से हजम नहीं होती। प्रमोटर्स रवि कुमार और श्री चुंदरू वेंकटा ने 4-4 लाख शेयर बेचे हैं और ये आपको सेल होती हुई दिखी है 8 और 9 जून को। ये एक्सचेंज फाइलिंग हमारे सामने आती हुई दिखी है और वैसे ही आपके सामने लॉरस लैब्स पर दिन का प्रेशर था। जी हाँ, उच्चतम लेवल था 640 रुपये, 639.35, और स्टॉक अब आपको 610 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए फिलहाल ये खबर आपके सामने एक्सचेंजेस की फाइलिंग्स के थ्रू आती हुई दिख रही है और मेरे ख्याल से बाज़ार इसको पसंद नहीं करेगा कि इतने हाई लेवल पर ओपन मार्केट में प्रमोटर्स 4-4 लाख शेयर यानी कि कुल मिला के 8 लाख शेयर आपको बेचते हुए दिखें। अगर आप 8 को गुणा करें 600 से एवरेज सेलिंग प्राइस, तो आपको लगभग यहाँ पर 48 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखेगा। दिन का लोएस्ट लेवल फिलहाल आपके सामने लॉरस लैब्स पर और ये प्रेशर आपके सामने बिल्डअप होता हुआ दिखेगा जैसे जैसे यहाँ पर ये बात डाइजेस्ट होगी। 8 और 9 को आप देखिए, जो वॉल्यूम थी वो हाईएस्ट थी सन 2021 में और ये हाईएस्ट वॉल्यूम थी, लगभग 1.71 करोड़ शेयर आपके सामने ट्रेड हुए थे जिनमें से मेरे ख्याल से 8 लाख शेयर ये हैं जो अब आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। जब ये खबर आई थी तो ये काउंटर आपके सामने ट्रेड कर रहा था लगभग 619 के आसपास और अब यहाँ पर आप देखिए कि हल्की सी सेलिंग प्रेशर डेवलप होता हुआ। दिन का उच्चतम लेवल वैसे भी 639 था और अब आपके सामने 614 के आसपास ट्रैक होता हुआ ये काउंटर। आप कुछ कमेंट करना पाएंगे चंदन जी इस स्टॉक पर लॉरस लैब्स इस खबर के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ? जी सर जी, देखिए काउंटर को हम काफ़ी क्लोजली ट्रेड करते हैं और इवन रिसेंटली जो 515-520 का ब्रेकआउट हुआ तब से इसको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ चुका है, हालांकि बेसिक ट्रेंड चेंज हो गया है पर जिन लोगों का पोजीशन है उनको ये सलाह रहे कि एक बार पोजीशन कट करें। आपको दिखेगा कि ब्रोकरेज स्टॉक्स और एएमसी स्टॉक्स में काफी अच्छी चहक दिखेगी। नैम इंडिया की जहां तक की पोजिशनल बाय कॉल की रचना है वहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि लगभग 390 से 400 तक के पोजिशनल लेवल्स इस स्टॉक पे हमको देखने को मिलने चाहिए। तो नैम इंडिया पे भी स्पेसिफिकली काफी पोजिशनल लॉन्ग कॉल्स आ रही हैं डीलिंग रूम से, ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4% का एडिशन हुआ तेजी की तरफ।
नैम इंडिया अगर आप देखिए तो, और साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स यतीन ने जिक्र किया। LIC हाउसिंग फाइनेंस जब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था तभी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अभी दे हाई की डिटेक्टिव में ये स्टॉक है ही भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा इसने जो 3 सितंबर 2019 का लेवल का एक ब्रेकडाउन था उसके बाद ये चला गया बेस ट्रेजेक्ट्री में, उसके बाद के सारे हाईस को काटा था इसने लास्ट वीक, और कल के लो को आज सुबह मॉर्निंग में रिविजिट नहीं किया, और अब अगर आप देखिए ऑलमोस्ट डे हाई पे फ्लो करता हुआ। आपकी राय आशीष इस स्टॉक पे क्या होगी? LIC हाउसिंग फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कमेंट्री अगर आप देखें रीडर्स की तरफ से इस स्टॉक को लेकर 520। बिल्कुल देखिए वीरेंद्र, हमने बीच में भी 2-3 बार इस बारे में बात की कि स्टॉक ने एक मेजर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन मंथली चार्ट पर बनाया और उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलरेडी 490 के ऊपर कर दिया, और वहां से हमने एक रैली देखी जब स्टॉक ने 537 के रीसेंट हाईस बनाए, फिर 3 दिन का करेक्शन और आज ये रिवर्सल, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर में कंटिन्यू रहेगा और अब रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है क्योंकि 3 दिन की गिरावट के बाद आपको एक डिप मिल गई 512 के स्टॉप लॉस के साथ, एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 550-555 के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लक्ष्य LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिलेंगे। बट जिस तरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक में रैली 560 के बाद भी कंटिन्यू होते हुए देखने को नजर आएगी, बट फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा 7-8% का मूव करेंट लेवल से भी आपको देखने को नजर आ जाएगा। चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर एक शानदार चार्ट चेक आपके सामने होता हुआ और साथ ही साथ सेंचुरी प्लाई के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए दिखेंगे। चौथी तिमाही का प्रॉफिट आपके सामने 2 गुना बड़ा है और ये आपको आता हुआ दिखेगा 87 करोड़ के लगभग, और इसमें पहली तिमाही में आपने देखा था लगभग 37 करोड़ का मुनाफा था, तो साल दर साल 100% से ज़्यादा आप यहाँ पर मूव आते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टॉप लाइन जो है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है 745 करोड़ पर, जो कि मुकाबले थी लगभग 530 करोड़ के आसपास। एबिटा में खास इम्प्रूवमेंट डबल होती हुई दिख रही है 126 करोड़ मुकाबले 62 करोड़, और मार्जिन में भी आपने शानदार इजाफा देखा है लगभग आप समझिए 400 बेसिस पॉइंट्स का, 16.9% है एबिटा मार्जिन मुकाबले 12.7% कर, शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही यतीन जी ने अपने इंडिविजुअल कॉल्स दिए हैं डीलिंग रूम से, देखिए क्या चहक LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ 525 25, और शानदार डील्स 20 लाख 75 लाख 35 25 और 43 लाख की आपके सामने होती हुई, ये मैं मेन डील्स गिनवा रहा हूँ, आप देखिए बहुत बढ़िया आपके सामने मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी आज का सेक्टर जो है वो आप देखिए रियल एस्टेट बनकर उभर रहा है। डायरेक्टर साहब एक बढ़िया स्टैक बनवाइए, आपको रिकॉर्ड हाइस पर ओबरॉय रियल्टी, क्वाजी रिटेल रियल एस्टेट स्टॉक्स जय कॉर्प और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शानदार मोमेंटम अजमेरा रियल्टी, DLF, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, शोभा और प्रेस्टीज में भी आपको आता हुआ दिख रहा है। 3 बज चुके हैं, शानदार मूवमेंट आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। वीकली एक्सपायरी के दिन अब 100 अंक की तेजी आपको अंकित करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 15,730, जो कल की गिरावट थी वो आपको बिल्कुल हटती हुई दिख रही है लोगों के जहन से और स्मृति पटल से, अब 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 35,075। बिल्कुल सही मौका स्वागत करने का अपने मित्र श्री संजीव भसीन साहब का। संजीव जी शुभ दिन, बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को और क्या रणनीति बचे हुए आधे घंटे के लिए? हाँ गुड आफ्टरनून, तो शैलेंद्र जी मार्केट इज थ्रोइंग ऑल रिस्क टू द विंड, और वो कह रहा है कि मुझे तो कोई डिक्लाइन मिले लेने का मौका है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द US डज। कल US के यील्ड्स बहुत घटे थे 1.48, और अगर ये नंबर ज्यादा अटकली का नहीं आया इन्फ्लेशन तो इट कैन बी अ स्पर्ट इन द आर्म फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स जो फाइनेंशियल्स है। लेकिन जो आपको सुबह कहा था, मेरे को लगता है मार्केट ने भी शायद 2 घूंट ना लगा ली हो। मैकडॉवल देखिए आज 450-650 हो गया, सुबह 632 पे जावा आपको कहा था। मैकडॉवल, गोदरेज कंज्यूमर, भारती और आपका गोदरेज प्रॉपर्टी, चारों आपके चल चुके हैं। और मुझे लगता है कि बाजार, आपने सब रियल एस्टेट का नाम लिया सर, लेकिन आपने इंडिया बुल हाउसिंग नहीं कहा। 288 रुपए पे सर्किट है आज, 288 इज अ 2 ईयर हाई फॉर दिस स्टॉक, सो इट्स टेलिंग यू के मिड कैश में रीवैल्यूएशन कितनी जबरदस्त है
and that is telling you ownership patterns are changing. तो अब मेरे पे दो तीन नाम है जो मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन शैलेंद्र जी मैं कहूंगा इसमें शिफ्ट कीजिए, दीज आर मस्ट हैव्स इन योर पोर्टफोलियो, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी, तो देखिए बिल्कुल भसीन साहब इरशाद, और मैं आपका फरमाइए। तो पहला अगेन गोदरेज प्रॉपर्टी है, सारे रियल एस्टेट चल गए, गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से इज द न्यूमेरो ओनो, इसका भाव एक्चुअली 2200 होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में आप इसको न्यू हाई देख लेंगे 1520-25, 1425-30 में लीजिए, 1395 का स्टॉप लॉस, 1475 से 1485 का टारगेट, REC लीजिए, एक्सलेंट नंबर, 162-62 में 157-50 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। और यहां मैं नाम लेंगा एक जो मेरा मनपसंद स्टॉक है जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉश। बॉश इज गोइंग टू गो टू 20,000 इन दिस ईयर इटसेल्फ, यू विल सी अ ह्यूज रैली इन दिस बिकॉज द अंडरपिनिंग्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस एज अ डेरिवेटिव पिक, आई एम सेइंग व्हाटएवर यू गेट यू मस्ट एवरेज बॉश फॉर द नेक्स्ट 3, 6, 12 वीक्स बिकॉज बॉश विल गिव यू द बेस्ट रन फॉर द मनी, इट्स द बिगेस्ट ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स और ग्लोबली उसका बिजनेस बहुत ही बहुत माने इंडिया में इस पर आउट परफॉर्मिंग इन द लास्ट जो 3 साल में नहीं किया वो इस क्वार्टर में किया है। भसीन साहब आपका जवाब मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर इस तरीके से दूंगा, देखिए बहुत ही शानदार पिक था और ये आप ही की जुबान से अच्छा लगता है कि आप उसकी वाहवाही करें, हम लोग तो दिन भर उसका प्राइस एक्शन देखते ही रहते हैं लेकिन आप इसको बहुत नज़दीक से भी देखते हैं, इंट्राडे पिक भी देते हैं और बढ़िया तरीके से लंबी अवधि के लिए भी आप स्टॉक्स सुझाते हैं, उनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और बॉश और REC पर अब सिप की राय आपको देते हुए दिख रहे हैं अगले कुछ हफ्तों के लिए भसीन साहब। धन्यवाद संजीव जी आपका। अब वापस आप देखिए बाज़ार में शानदार मोमेंटम आता हुआ, LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब, यहाँ पर आप शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं, जैसे यतिन जी ने आपको डीलिंग रूम चेक के बारे में चर्चा करी, और अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का स्क्रीन पर चार्ट लेके आएंगे तो कुछ समय पहले यहाँ पर आपको असित जी ने एक कॉल दी थी जो थी कि 300 रुपये की जो कॉल है वो आप खरीदिए, 8 रुपये पे दी थी और वो अब आपको 14 रुपये के आस